कल हमने देखा था ये कि लाइट बिहेविंग एज अ वेव कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट बाकी जितने भी फिनोमेना थे लाइट के वो एक्सप्लेन हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द वेव नेचर ऑफ द लाइट. ठीक है, एक और गड़बड़ जो हाइगन ने कही थी वो ये कि वेव फ्रंट टिमची टिमची फॉरवर्ड थी तो बैकवर्ड थी, मगर हमने फिर देखा स्टोक्स लॉ से बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होता, विच प्रूव्ड डायरेक्टली इन प्रोपगेशन ऑफ लाइट. एंड वन मोर थिंग जो हाइगन ने कहा था दैट लाइट प्रोपगेट्स इन अ मीडियम कॉल्ड एथर, वैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर फाइनली मैक्सवेल ने कहा कि लाइट या शीशे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. ठीक है कि नहीं? तो अब इस वेव के कुछ ये प्रॉपर्टीज, वन बाय वन द प्रॉपर्टी शोन बाय वेव्स इज सुपरपोजिशन. क्या शोन? सुपर पोजिशन. देखो बेटा, अब लाइट वेव है, ठीक, और मैं आपको आपको ये कंसेप्ट भी है कि लाइट जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. देन वी कैन इजीली रिप्रेजेंट दिस वेव बाय साइनसॉइडल एक्सप्रेशन. ठीक, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेव है वाई वन, इट इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल इट इज ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, अ साइनोसॉइडली वेरिंग वेव जिसकी डिस्प्लेसमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखा जाए y1 इज इक्वल टू a1 व्हिच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव साइन ऑफ ओमेगा t. ठीक है, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड ओमेगा t हमने एसी में पढ़ा है ना ये सब, ओमेगा t पूरा जो है दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फेज. ठीक है, अच्छा से फॉर एग्जाम्पल जिस मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी मीडियम में एक और वेव भी इंडिविजुअल डिस्टरबेंस पैदा कर रही, वेव्स अ डिस्टरबेंस. तो जब ये वाली वेव थी उसकी डिस्टरबेंस y1 थी, कितनी थी, a1 sin of omega t. से फॉर एग्जांपल इसी मीडियम में किसी और इंस्टेंट ऑफ टाइम पे y2 आई, डिस्टरबेंस पैदा की, वो थी से फॉर एग्जांपल a2 sin of omega t मगर प्लस फाइव, यानी कि इनके दरमियान कुछ फेज डिफरेंस था. ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि लेट अस सपोज कि इसने डिस्टरबेंस y1 प्रोड्यूस की इंडिविजुअली, इसने y2 डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की इंडिविजुअली, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ बोथ द वेव्स ठीक ट्रैवर्स द मीडियम एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ऑब्वियस ही बात है बेटा, जो इसने डिस्टरबेंस पैदा की होगी, जो इसने डिस्टरबेंस पैदा की होगी, जब ये दोनों वेव्स इकट्ठे इस मीडियम में इंस्टेंटेनियस साइमल्टेनियसली ठीक है इस मीडियम को ट्रैवर्स करेगी, तो मैं ये देखूंगा कि जो नेट डिस्टरबेंस पैदा होने वाली होगी, शाबाश, तो कहा बराबर द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टरबेंसेस, दैट विल बी इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, होगा कि नहीं. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज द सेम, इट सेज दैट इफ टू वेव्स आर इंडिविजुअली प्रोड्यूसिंग डिस्टरबेंसेस वाई वन एंड वाई टू, ठीक, लेकिन वेन बोथ द वेव्स आर ट्रेवर्सिंग द मीडियम साइमल्टेनियसली देन द नेट डिस्टरबेंस इज गिवन बाय y1 plus y2, ठीक है, फिर हम देखेंगे जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा व्हाट इज दैट, सो किस वेव छठी, चलिए देखते हैं. पहला वन जगह व्हिच इंप्लाइज, कैन आई से दैट y नेट इट इज इक्वल टू y1 के बदले मैं लिखूं ये a1 sin of omega t plus, शाबाश, इसके बदले क्या लिखते हैं a2 sin of, शाबाश, omega t plus 5. ठीक है कि नहीं, चलिए बताइए. That is equal to a1 sin of omega t plus a2 sin of, ये क्या बनेगा सर, sin of a plus b किसके बराबर, sin a cos b plus cos a sin b, तो ये बने दिन sin of omega t cos of phi plus cos of omega t sin of phi. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, which implies y net will be equal to a1 sin of शाबाश omega t plus, करें डिस्ट्रीब्यूट, a2 sin of omega t cos phi plus a2 sin of phi
कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ये ठीक से ना। चलो जीत भी जीत कैश कॉमन नहीं ये थी इन दो टर्म्स में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है साइन ओमेगा टी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी ठीक है इन टू शाबाश ए वन प्लस ए टू मगर क्या कॉस ऑफ फाइव ठीक है प्लस शाबाश ए टू साइन ऑफ फाइव कॉस ऑफ ओमेगा टी ठीक है ये ठीक है। अगर सपोज करो लेट अस सपोज लेट दिस ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ फाइव से लेट दिस बी इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा कर सकता हूं सपोज और ए टू साइन ऑफ फाइव ए टू ये था बराबर ए साइन ऑफ थीटा रख सकता हूं अच्छा देख लो बहुत कंसेप्ट रिटन ट्राइंगल जो देखो यहां से मैं दिखाता हूँ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक ट्राइंगल है इसमें एंगल थीटा है ठीक है ए ठीक तो बस मैं तो आपके लिए लेट दिस बी ए ठीक है लेट दिस बी ए ए टू साइन ऑफ फाइव साइड आई साइड और लेट दिस साइड बी ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ फाइव हो सकता है ना ये वाला साइड इतना है ये वाला साइड इतना है और ये हाइपोटेन्यूस हमारी ए ठीक है तो मतलब व्हाट इज साइन थीटा इस ट्रायंगल से बताओ तो व्हाट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इट गोज ए टू साइन फाइव बाय हाइपोटेन्यूस व्हिच इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं ए साइन थीटा व्हिच इज इक्वल टू ए टू साइन ऑफ फाइव हाँ ये कर मैं ये सब्स्टिट्यूशन तेली ये लिम एक ही ट्रायंगलिक पार्ट्स समझ रहे हो तब कॉस थीटा मांगे जिगर क्या है क्या कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस बेस क्या है ए वन प्लस ए टू ए वन प्लस ए टू हाँ कॉस फाइव बाय हाइपोटेन्यूस सो इधर जाएगी ना तो इफेक्टिवली क्या आएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव जो है इट इज ए कॉस थीटा तेली है कंस बी सब्स्टिट्यूशन पे समझो तरह कटमुट ने क्या लेट शन किया असली कम्स फ्रॉम द ट्रायंगल ठीक है इस ट्रायंगल के ये दो क्या थे पहले हिस्से तब जाकर मैंने थीटा इंट्रोड्यूस किया मैंने और कुछ इंट्रोड्यूस किया ठीक ओके चलो मानते हैं एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारी व्हिच इंप्लाइज शाबाश y नेट किसके बराबर आएगी हाँ मेनू साइन ओमेगा टी तो है ही इसके बदले क्या लिखना है ए कॉस थीटा इस सारे के बदले तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इट इज ए टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा कोई प्रॉब्लम प्लस ए टू साइन फाइव के बदले क्या लिखना है ए साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी ठीक है कॉमन क्यों छूटेगा विच इंप्लाइज वाई नेट इट इज इक्वल टू शाबाश ए कॉमन है फिर अंदर क्या रहेगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस हाँ साइन थीटा मगर क्या कॉस ऑफ ओमेगा टी समझ रहे हो आपको क्या क्या लग रहा है दिस इज साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी वो क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी तो वाई नेट जो है नेट डिस्टर्बेंस जो है दैट इज इक्वल टू शब्द ए टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज ओमेगा टी प्लस This is the net disturbance produced when two waves were traversing simultaneously. ठीक है? Where omega is the frequency. अब यहाँ पर net phase आ गया theta. ठीक है? और नया amplitude क्या है? A. Now we would like to find this A. What should be the net amplitude of the resultant wave? समझे तरह? चलो पहले यहाँ तक copy करो. हो गया? So we are seeing that when these two waves were traversing the medium, the net disturbance produced is summation of the individual disturbances and the value comes out to be A times sine of omega t plus theta. The theta that we have introduced. ठीक है? Now, मसला बेटा ये है कि we'd like to find this A. ये amplitude ये शुरू ये काच बराबर. ठीक है? Now see,
अगर आप इस ट्राइंगल पे भी चले जाए आपको यहां से भी एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड है ना एक हाइपोटेन्यूज, वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैसे भी निकलेगा। और जो हमने सपोजन किया था, हमने क्या किया था सपोजन, शाबाश, हमने किया था लेट ए कॉस थीटा बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ फाइ, यही किया था। और हमने बोला ए साइन थीटा लेट दिस बी इक्वल टू ए टू टाइम्स दिया साइन ऑफ फाइ, यही हमने किया, यही तो सपोजन किए थे। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्क्वायर एंड एड, call this first and call this second, we can square and add the first and second, pehle square kar do fir add kar do, chalo man ji kar kya hai, iska niklega a square cos square theta plus a square sin square theta, kiske barabar aayega, ha niklega yahan pe a1 plus a2 cos of phi, is sare ka square plus ha a2 square साइन स्क्वायर फाइव, यही आएगा, यही आएगा ना। तो बताओ यहां से क्या निकल रहा है, देखो यहां से समझ लो ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये रहेगा इज इक्वल टू, शाबाश, ये थे फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर प्लस हाँ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक, प्लस शाबाश ट्वाइस ए बी, तो आएगा ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है, प्लस हाँ ए टू स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है ना, विच इंप्लाइज आई कैन से दैट यहां से क्या निकलेगा, सिर्फ यहां से बेटा सिर्फ ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखो ए वन स्क्वायर प्लस यहां देखो इन दो, इन दो टर्म्स में देखो ए टू स्क्वायर जो कॉमन अंदर हो जाए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस, वो भी वन, तो मैं इफेक्टिवली लिखूं ए टू स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली इन दो के बदले, ठीक है ना, प्लस शाबाश ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ, दिस इज द नेट एम्पलीट्यूड व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड व्हिच इज ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है, समझे तरह द नेट एम्पलीट्यूड इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड स्क्वायर्स प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू cos of phi, if phi was the phase difference that was introduced in the beginning, samajh aa raha, kabhi ye zero hoga kabhi kuch hoga, it depend kar raha to us pe depend karega aapko, theek hai, agar aap directly is magnitude ko nahi leni haath pe to directly chale jao, a square will be equal to perpendicular square plus this square, so going to directly expression for evaluate karke yahi aayega, theek hai, to apni marzi hai aap kaise karenge, समझ होता ना, ओके, मुझसे जिगर, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है ए दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ क्या बोलेंगे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है ना। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर से फॉर एग्जाम्पल टू एक्सट्रीम केसेस, one of the cases when phi is equal to zero and the phase difference between the two is zero, when the phase difference is zero cos zero is one, cos zero is one, iska matlab effectively a amplitude jo kitna aayega square root of ha
ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू, क्या? और दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ए वन प्लस ए टू मगर होल स्क्वायर, समझ? ये स्क्वायर दी स्क्वायर रूट वाज कैंसल, विच इम्प्लाइज एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, समझना मेरी बात, दो वेव्स ट्रेवर्स कर रही है मीडियम को एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द समेशन ऑफ द टू एम्पलीट्यूड, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड हो सकता है रिजल्टेंट का, मान कैसे? देयरफॉर रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बेटा तभी ये पैदा आएगा जब दोनों ने सेम पॉइंट को इकट्ठे हिट किया हो इन द सेम डायरेक्शन, खबर समझी तरह? एक एक वेव ने बोला इस पार्टिकल को इधर जा, दूसरी वेव भी इसको बोल रही चलो दरी, अगर ब्याक वेव बनी ना या पर बाग तेल गैस ना एम्पलीट्यूड काम, समझी तरह? सो आपकी रेजोनेंस हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके दोनों वेव जो है वो फेज में है, फेज डिफरेंस नहीं कि जीरो, जब फेज में होता है सब कुछ, यानी कि मैं जो फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं उसी फ्रीक्वेंसी दूसरे दूसरा भी धक्का दे रहा है, तो इफेक्ट के लिए आपका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है मैक्सिमाइज, समझी तरह? सो रिमेंबर व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज मैक्सिमम एंड होता कितना है समेशन ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, कहने का मतलब अगर ये वाली वेव आ गई इसका एम्पलीट्यूड था ए वन, ठीक है, और दूसरी वेव आ गई इसी के साथ इसका एम्पलीट्यूड था से फॉर एग्जाम्पल ए टू, समझ होता ना ये दोनों वेव आ गई ना फेज में क्योंकि दोनों का क्रेस्ट इकट्ठे आ गया, तो इफेक्टिवली जो आपका रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस आएगा उसका एम्पलीट्यूड ये होगा, ये सारा जो होगा ये कुछ आज ए वन प्लस ए, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके, इधर बैठा को अश्वनित आपका एम्पलीट्यूड इस वाले केस में मैक्सिमम है, ठीक, ये भी हो सकता है ना कि आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा, वो कब आएगा मिनिमम पाने बुझ आप सके ए वन से मैक्सिमम जो तेरे इन कॉस फाइव की वैल्यू आज वन, कॉस फाइव जब मैक्सिमम होगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो मुझे बताओ एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा, जब कॉस फाइव मिनिमम होगा, और इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाइव माइनस वन, छह कितना सुखाया था सर तब पूछते थे मतलब क्या हो माइनस वन कब है कॉस फाइव, शाबाश, शाबाश, हम बोल रहे हैं फाइव कॉस फाइव होना चाहिए कितना माइनस वन, कॉस फाइव कब होता है माइनस वन, जब फाइव होता है 180, शाबाश 180 समझते ना, आउट ऑफ फेज बाय 180 यानी कि एक का क्रस्ट आएगा दूसरे का क्या आना चाहिए ट्रफ, समझ रहे हो? तो मुझे बताओ ए तब क्या आएगा मिनिमम आएगा कि नहीं, वो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, हाँ प्लस उसका ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, मगर कॉस फाइव माइनस वन तो यहां पे आएगा माइनस ट्वाइस ए वन ए टू माइनस ट्वाइस ए वन ए टू, इफेक्टिवली ए मिनिमम विल बी इक्वल टू शाबाश ए वन माइनस ए टू, समझो तरह इसका मतलब क्या है, जरा देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शायद ये है बच्चा कि आपकी एक वेव का एम्पलीट्यूड एक वेव ऐसे आ गई इसका एम्पलीट्यूड सपोज ए वन, ठीक है, लेकिन दूसरी वेव जो ट्रेवल्स कर रही मीडियम को स्वाइक तालुक पे फेज डिफरेंस ना 180 कहने का मतलब स्वाइक से क्या बोल रहा हूं समझी तरह ए टू, तो इफेक्टिव रिजल्टेंट वॉज दिस ए वन माइनस ए टू, खबर समझ तो रही है कितना, ठीक है ना बेटा मुझे एक बात बताओ, अब जरूरी तो नहीं कि आपकी वेव सिर्फ इन दो पर्टिकुलर केसेस में आएगी, आपकी वेव्स किसी भी तरीके से आ सकती है, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है 30 का 40 का 60 का 90 का कुछ, ठीक है 180 तक, ठीक, लेकिन यमगित केस एक्सट्रीम केस ऑफ सुपरपोजिशन, जब बेटा या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा या एम्पलीट्यूड क्या होगा या तो जमीन है या आसमान है, मान सकते हैं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे, क्यों? क्योंकि पी प्लांट या तो टॉल था या शॉर्ट था मंजीर मा इसे की ये तिमा जो कांत युद्ध के सुपरपोजिशन हो या समझो इस मनान छे बीच में कोई वैल्यू है क्या समझो तो हम सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज की बात कर रहे हैं जहां पर या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या एम्पलीट्यूड क्या होगा मिनिमम, समझो तो दिस स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन जब यह आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या होगा क्या दिस स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस, कैसे बना समझ तो लिया इंटरफेरेंस टू कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस एवरी इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन बट एवरी सुपरपोजिशन इज नॉट इंटरफेरेंस, समझ तो रहा, ठीक है, मुझसे बना सुपरपोजिशन सिर्फ
सुपर पोजिशन में जीरो से लेकर 180 तक सारे केसेस पॉसिबल है, ठीक। लेकिन ऐसा केस ऑफ सुपर पोजिशन जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो केसेस पॉसिबल है, कौन सा, या तो ऊपर वाला अपर लिमिट वाला या सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट वाला। एज ए स्पेशल केस ऑफ सुपर पोजिशन को वी कॉल दिस बेटा एज इंडिफरेंस। इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी दो वेव जो आ गई उनका एम्पलीट्यूड A1 is equal to A2, say is equal to A0, है कि नहीं? तेरा मैं बोलते A max का फिर बराबर twice A0 आएगा कि नहीं? तेरा इस वाले केस में मुझे बताओ, अगर दो वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी कि फेज डिफरेंस कितना आ गया 180, समझी तो ना? तो मैं मानते हैं तेमिस क्या गज ए मिनिमम कितना आएगा तब? शाबाश, इट विल बी इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A0, तब आएगा ना 0, ये समझी तो ना? ए नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब इंटेंसिटी होगी, कुछ नहीं होगा, अंधेरा होगा। इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस होगी, समझी तो ना? यानी कि यहां पे एनर्जी गेन हो गई है, यहां पे एनर्जी लॉस हो गई। चल छुट्टा याद, जब भी इंटरफेरेंस होती है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। वी कैन नॉट हैव वन इन आइसोलेशन, या कोई अगर ले रहा है किसी को खोना पड़ेगा, ना ओरमा है एनर्जी ना है कोई एनर्जी प्रोवाइड करे, समझी तरह? यानी कि जो एक्सट्रीम दो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस के, वो केसेस जो है आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं। एक अगर लंबा है दूसरा शॉर्ट है, ठीक, मगर इसे कॉन्सेप्ट बराबर, छोटे वाले ने लूज किया बड़े वाले ने वो गेन किया, समझ गए कि नहीं? तरांचा समझ। तो इन केस एक्सट्रीम केस ऑफ इंटरफेरेंस डिस्कस करें, वी विल डिस्कस देम इंडिविजुअली। ओके, पहले एक और चीज, वी विल गो फॉर इंटेंसिटी। पूछा इंटेंसिटी एक्सप्रेशन क्या है, पत करो इस सुपर केस डिस्कस, ये जरा तो समझ गोड़, ठीक है ना? नाउ बेटा एम्पलीट्यूड असली याद बराबर छस एम्पलीट्यूड का अच्छा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi। नाउ डू यू नो, डू यू हैव अ कांसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी? शाबाश, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशनशिप है, कोई बता सकता है? रिमेंबर व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है? हमने पढ़ा था पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इंटेंसिटी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उसका फॉर्मूला Along the direction of propagation, जो energy propagate होती है, उसको pointing vector कहते थे। लेकिन अगर perpendicular to the direction of propagation है, then we call this as intensity. Intensity is chasan, that is energy per incident per unit area per unit time. मगर क्या? Perpendicular to the direction of propagation. तो यार, now see, intensity अगर देखोगे, expressions के आधार पर, you should class 11th concept, because my diary, because my expression put के, remember intensity is directly proportional to amplitude square. समझ रहे हो? जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, ठीक है? इसका मतलब ये भी है ना बेटा कि इंटेंसिटी जो है इट इज सम कांस्टेंट टाइम्स ए स्क्वायर, इट हैज कि ना? और आई कैन से दैट, और आई कैन से दैट दिस एम्पलीट्यूड जो है इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन सम कांस्टेंट, है कि नहीं? ठीक है, तो बस मेहमान, अब दो वेव्स हमने लाई, उन दो वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या थे? A1 और, तो मुझे बताओ उनकी इंटेंसिटीज भी कुछ होगी, लेट द इंटेंसिटीज भी I1 एंड I2, ठीक। तो मैं मानते हैं नेट एम्पलीट्यूड जो था उस हिसाब से नेट इंटेंसिटी भी आएगी, फिर जरा मुझे बताओ फिर, शाबाश, नेट इंटेंसिटी या इस पर है कोई लिखे ना एम्पलीट्यूड से यार बराबर थे एच एस बगैर हर का रिप्लेस, जरा मुझे बताओ, ए के बदले मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन के वेयर दिस आई इज आई नेट, यस एक आदत नहीं बराबर प्लस मैं स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ A1 स्क्वायर, A1 ऐसा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपनी इंटेंसिटी डिवाइड बाय K, क्योंकि K तो चेंज नहीं होने वाला, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है? तो मतलब A1 स्क्वायर इट विल बी सिंपली I1 अपॉन K, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? प्लस समझो पढ़ो, A2 स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो आएगा I2 अपॉन K, ठीक है कि नहीं? I2 अपॉन K, समझ रहे हो? प्लस शाबाश ट्वाइस क्या A1 A2, A1 स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन इनटू शाबाश स्क्वायर रूट ऑफ I2 अपॉन इनटू कॉस ऑफ फाइव, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मुझे बताओ अगर हम यहां पे ये वाला स्क्वायर रूट
और ये वाला स्क्वायर रूट ऐसा कौन होगा आंसर? तो इफेक्टिवली ये एंड ये जाएगा, तो मुझे बताओ नेट क्या ही थे? अच्छा इधर वही स्क्वायर रूट का क्या, इधर पास होता है के, ये के, ये के, यहाँ जो स्क्वायर रूट के इंटू स्क्वायर रूट वो तो एक ही के हुआ, वो पूरा के कैंसिल, तो इफेक्टिवली सारा के खत्म ही हो गया। तो मुझे बताओ आई नेट किसके बराबर आ रहा है फिर? शाबाश आई नेट, हाँ आई नेट कितने बराबर मानो? इट विल बी आई वन प्लस आई टू प्लस मगर ट्वाइस, हाँ स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू इंटू कॉस ऑफ, दिस इज द नेट एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी when two waves are propagating, samajh itara theek se ya clear hai? This is extreme case, jaise amplitude ke humne abhi dekhe, then mujhe bata intensity ke extreme do cases mein kya kya value lagenge, ek bar aega cos phi 1, ek bar cos phi minus 1, matlab 1, shabash under root pi on cos phi 2, yahan batao when cos phi is equal to 1 intensity kya hogi, maximum ki minimum? maximum, shabash kaise barabar the means आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू, आज क्या है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में, शाबाश इट विल बी स्क्वायर रूट आई वन प्लस स्क्वायर रूट आई टू इसका होल स्क्वायर, दिस इज द नेट इंटेंसिटी एक्सट्रीम केस में, समझ रहे हो कैसे? समझ लो कैसे, कॉस फाइव वन हमने किया, कॉस फाइव वन कर दिया तो बन गया वहां आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू, ठीक है ना? लेकिन अगर आप इसको इवेल्युएट करें, स्क्वायर रूट आई वन होल स्क्वायर हो गया आई वन, स्क्वायर रूट आई टू होल स्क्वायर हो गया आई टू, और ट्वाइस स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू, यही आएगा ना, ठीक है? और इधर पढ़ा करती हूँ शुभ, व्हेन कॉस फाइ इज, यहां से जाऊंगा, व्हेन कॉस फाइ इज माइनस वन, कॉस फाइ इज माइनस वन, तो मींस क्या करते हैं शाबाश, तब यहां पे माइनस आएगा सिर्फ, तो इफेक्टिवली आपका आई नेट जो आएगा तब आई नेट दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट आई वन माइनस स्क्वायर रूट आई टू और इसका होल स्क्वायर, ठीक से ठीक से। चलो ये था नजर, ये भी तो हो सकता है ना बच्चा कि आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट, तो लवन तेमीज क्या कैसी थे, आई मैक्स कितना आएगा तब मनु, IMAX कितना आएगा, ये भी आई नॉट ये भी आई नॉट, ये आएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट आई नॉट, उसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा और आएगा आई नॉट, इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में व्हेन आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट, शाबाश आई नेट, हाँ कितना तो नहीं समझ वो सेवन थी इंटेंसिटी आज ही की मतलब डार्कनेस होगी, ये था सिर्फ ब्राइटनेस, समझी तरह क्लियर है? सो देयरफॉर वी कैन जस्ट गो विद द स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन, इंशाल्लाह वाइड गेस कोई भी डिफ्रैक्शन थे केक दिला दूंगा। पता चला जुमा किन पास प्रेस हुआ, कल फ्राइडे है, टुमारो इज 23rd फ्राइडे, बच्चे आ गए होते हैं, चलो इंशाल्लाह संडे तक तो हम कर ही लेंगे, अच्छा ठीक संडे तक खाली, वैसे कल मुझे दो ही दिन लगेंगे तो वन टू तीसरे दिन मत, वो ना इंस्ट्रूमेंट्स ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा चलिए अब क्या हमने देखा, आप ओवरऑल सुपरपोजिशन में हम क्या बोल सकते हैं, सुपरपोजिशन में सारे केसेस पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ऐसा स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन जिसमें या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या इंटेंसिटी, effectively that special case of superposition will be called as interference. अब interference दो ही types की है, या तो ऐसी है या ऐसी वाली interference को बेटा constructive interference कहते हैं, कैसे ना?
और ऐसी वाली इंटरफेरेंस को बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। इंपरोज हेडिंग दे दो इंटरफेरेंस या डेफिनेशन लिखे पहले आपको, दैट स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन इन विच इंटरफेरेंस, हाँ, दैट स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन इन विच एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इन विच एम्पलीट्यूड और intensity is either maximum or minimum, is either maximum or minimum, is called as interference. अब इंटरफेरेंस की बात करें तो बेटा हमारे पास दो केसेस हैं इंटरफेरेंस के, या तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, या आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या आपकी इंटेंसिटी शाबाश क्या होगी मिनिमम होगी, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि एम्पलीट्यूड का रहा है मैक्सिमम ते एम्पलीट्यूड का रहा है, ठीक है, वो सजेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायग्राम अभी मैंने आपको बताई, अगर इशू ए वन इशू ए टू इफेक्टिवली हमें ये मिलेगा, ठीक है ना, दिस ए वन इसका एम्पलीट्यूड ए टू, दिस इज ए वन इफेक्टिवली दिस विल बी ए वन प्लस ए टू, ठीक है ना, यानी कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू हैज टू बी जीरो, ठीक है। और आई कैन से दिस इज पॉसिबल, दिस स्पेशल केस इज पॉसिबल व्हेन ए नेट एम्पलीट्यूड इज ए वन प्लस ए टू एंड इट इज पॉसिबल व्हेन शाबाश कॉस फाइ इज इक्वल टू वन, यस, तब मैं वन कॉस फाइ कार कार आसान वन सोच के बताना, जीरो पे कॉस फाइ कब होता है जब फाइ के वैल्यूज क्या हो सकते हैं बताओ, जीरो पे शाबाश, बे थ्री क्या टू पाई पे, ग्राफ देखते हैं कॉस का ग्राफ नहीं कुछ, यस ये गो जीरो ये क्या गो पाई बाई टू ये क्या गो टू पाई बाई टू ये क्या गो थ्री पाई बाई टू ये क्या गो फोर पाई बाई इफेक्ट इसे टू पाई, यानी कि जीरो पे हो रहा है वन फिर टू पाई पे हो रहा है वन पता पड़ गया से फोर पाई पे, तो इफेक्टिवली 4 पाई पे होगा, हाँ 5 पाई पे होगा, सॉरी 6 पाई पे होगा, फिर 8 पाई पे होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, इन जनरल क्या है बोले 2n, शाबाश 2n पाई, आई कैन से इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, समझ गए तुम, n के वैल्यूज कहां से कहां तक रन करेंगे फिर अगर 2n पाई शुरू का मान करो, शाबाश 0 1 2 सो ऑन सो फोर्थ, समझ इस तरह, ठीक है। What about this case? Manu? यहां पर this is possible. कब? जब हमने कहा अगर a वन ये है a टू होना चाहिए ऐसे, yes? और इफेक्टिवली हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा a वन माइनस a टू, यानी कि the phase difference should be opposite. They should be traversing the medium in opposite directions. वो कब पॉसिबल है? जब आपका एम्पलीट्यूड आएगा ए वन माइनस ए टू, वो कब पॉसिबल है? जब आपका कॉस फाइव शाबाश कितना होगा माइनस वन, तो कॉस फाइव कब होता है बेटा माइनस वन, यहां से देख लो ग्राफ का कंटिन्यू थोड़ा तू इस पर एलिट्रिशन में टैलेंट इशू दे वन सर या वैल्यूज पर क्या माइनस वन बेशू या वैल्यूज पर माइनस पाथे वक्त से तब पर इंडक्शन लगा ही था हमारे सोच तो ना मानते लिखा है पॉसिबल फाइव पे वो पॉसिबल है जब आपका फाइव का वैल्यू होगा पाई बे क्या है कैसे शाबाश यहाँ है फोर पाई बाई टू दिस इज फाइव पाई बाई टू एंड दिस इज सिक्स पाई बाई टू सिक्स पाई बाई टू मतलब थ्री पाई बाई इफेक्टिवली पाथ क्या है फाइव पाई फिर सेवन पाई सो ऑन सो फोर जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे टू एन प्लस माइनस वन टाइम्स पाई है ना ऐसे टू एन टू इवन प्लस वन से भी ऑड बनता है माइनस वन से भी ऑड बनता है लेकिन मसला है
मसला ये है कि अगर आप प्लस वन ले रहे हो तब एन के वैल्यूज डिफरेंट लेने, जब माइनस वन लोगे तब आपके एन के वैल्यूज, तो अगर मैं ले रहा हूं ये टू एन प्लस वन टाइम्स वाई, तब एन के वैल्यूज क्या लेंगे हम शाबाश कहां से, यार सोच के बताओ, 2n प्लस 1 टाइम्स पाई अगर मैं कह रहा हूं, n का वैल्यू कहां से लेना है, जीरो से लेना है ना, ठीक है, गॉड डिक्शन ऑफ पाई, तो इफेक्ट द व्हेन दिस विल बी जीरो एगो 1 पाई आएगा ना, सो यह जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 सो ऑन सो फोर, ठीक है, लेकिन अगर मैं ले रहा हूं 2n माइनस 1 टाइम्स पाई, तब n के वैल्यूज बेटा कहां से स्टार्ट होंगे, 2n अगर 1 निमो 2 2 और 4 सॉरी 2 1 और 2 माइनस 1 गुना 1, इफेक्टिवली हमें 1 से लेना, 0 नहीं ले सकते, कितने से ली माइनस पाई जो कि अलाउड नहीं है, 1 2 3 4, सो यहां पे होल नंबर्स है, यहां पे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ठीक है, सलाम। अच्छा ये गई फेज डिफरेंस की बात हमने की, ठीक है, एक और चीज होता तो हमें समझ आ गया भाई कंस्ट्रक्टिव इंटर, हमने नाम नहीं दिया इनका, ऐसी इंटरफेरेंस को क्या बोला हमने, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या सुना, ठीक है, और इस इंटरफेरेंस को क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, मुझ समझ था यार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हिच इज ये मींस फेज डिफरेंस आई सी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने बोला ये तब होती है जब आपका फेज डिफरेंस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, समझ रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फेज डिफरेंसेस होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास पाथ डिफरेंस हुई, पाथ डिफरेंस क्या गई था, से फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है एस1, तो यहां से दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट पी वन है, एक पॉइंट पी टू है, ठीक है, यहां से वेव निकलेगी एडिट, इसको चलना है यहां तक से डिस्टेंस एक्स वन, यहां से वेव निकलेगी इसको चलना है यहां तक से एट ए डिस्टेंस एक्स टू, so obvious बात है, if one of them is more then I have to say there is some difference called as path difference represented by delta, ठीक है, that is equal to beta, किसके बराबर, x2 minus x1, समझो तरह, this is the क्या, cos difference, path difference, समझ रहे हो, now there is a relationship between phase difference and path difference, कहाँ है क्या मतलब, क्या पढ़ा होगा आपने, शाबाश शाबाश, तला बस जिगर क्या छोड़ी चीज पता, ये बस 11,000 क्लियर होता है, यहां तक कितना है फेज, यहां से लेकर यहां तक 2π, यस, लेकिन इस 2π में पाथ कितना कवर किया, हाँ लैम्डा, अभी भी वेवलेंथ ना कवर, समझो, जब आपका फेज डिफरेंस होगा 1, पाथ डिफरेंस कितना आएगा फिर, लैम्डा बाय 2, कवर समझो तरह, और जब आपका फेज डिफरेंस होगा 5, तब आपका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2π इनटू एज यूनिटरी मेथड, उस बच्चा बचपन से रहा हूं ऐसा माहौल में तो ही देते हैं, सो रिमेंबर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड एंड द रिलेशनशिप इज दिस, प्लीज रिमेंबर दिस दैट पाथ डिफरेंस छा सम बराबर लैम्डा बाय 2π टाइम्स फेज डिफरेंस, थे वो यार पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π टाइम्स द फेज डिफरेंस, ठीक है, अब मुझे बताओ खुद ही ये क्वेश्चन ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ऐसा है मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर आएगी, हाँ लैम्डा बाय 2π टाइम्स फेज डिफरेंस, व्हाट इज द जनरलाइज्ड फेज डिफरेंस 2n 2π 2π विल गो, इफेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा कब कब होती है, जब आपका n टाइम्स वेवलेंथ होगा, तो आप देखो समझ भी रहे हो, n टाइम्स वेवलेंथ होने का मतलब z वेवलेंथ पर गेस नाइसर स्टार्ट गेस, ठीक है, सो गेस ना बट नाइसर स्टार्ट पूछो तो क्या मतलब हो गई, ये एक वेवलेंथ हो गई है उसी के बाद तो नाइसर स्टार्ट होता है, इसी को ना कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, मींस ये मींस फेज डिफरेंस आई सी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है, मतलब को ये देख लो दूसरी वेव आ गई, ये तो पहली वेव ने स्टार्ट किया था, अब दूसरी वेव फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर, लेकिन उसको यहीं से जुड़ना है ना, तेरी है ना कंस्ट्रक्टिव कितनी आगे डिफरेंस एक लैम्डा, अगर कोई और वेव आना चाहते उसको बोल रहे ना बकराया से सिंक्रोनाइजेशन बकराया से कंस्ट्रक्टिंग, तो उसको यही वाला पार्ट इसके साथ मिलाना है ना, तो से फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स लैम्डा पे आ सकती है 3 टाइम्स लैम्डा पे आ सकती है इफेक्टिवली n टाइम्स लैम्डा पे आ सकती है, समझ रहे हो, टेलीगेस ना क्रस्ट 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 और क्रस्ट ओवरलैप
ट्रफ टू ट्रफ ओवरलैप, ठीक है। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस, यहां पे देख रहे हो इट इज एन, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इट इज एन सिंपली मल्टीपल या वन होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, द कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्ट, द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ना मानते लिए क्या कैसे की थे लैम्डा डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा फिर, हाँ लैम्डा बाय टू पाई हाँ टाइम्स फेज डिफरेंस वो कुछ नहीं होगा, पाने मर्जी से हम पहले जनरल लिखते हैं 2n प्लस माइनस 1 टाइम्स पाई, 2n प्लस माइनस 1 का मतलब ऑड है ना, तो अब मानते ये पाई थी पाई को कैंसिल, तो डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस कब कब होती है जरा देखो, व्हेन इट इज एन 2n प्लस माइनस 1 व्हाट इज दिस ऑड, ऑड मल्टीपल किसका, हाफ ऑफ वेवलेंथ आईजी वेवलेंथ, समझी तरह पांच आईजी वेवलेंथ सात आईजी वेवलेंथ गैस ना, ऑड वेवलेंथ यानी कि ये जब इन्हीं का मल्टीपल होगा एक, यानी कि एक यहां से होगा दूसरे यहां से आएगा, तीन यानी कि एक दो तीसरा होगा ना ये तीसरा और ये ओवरलैप, ठीक है। सो इफेक्टिवली हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वक्त ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वक्त इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इसमें सब मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसमें सिर्फ ऑड आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। बोर्ड पे तो दी कॉपी छोटा टॉपिक बहुत पढ़ना है। चलिए बेटा हेडिंग दे दो, प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूफ ऑफ द फैक्ट that interference is in accordance with kya law of conservation of energy, वैसे जिक्र नजर थे जब क्या वन देखो एनर्जी कंजर्वेशंस की बात हुई तो हमें ऑब्वियसली इंटेंसिटीज की बात करनी है, यस हमें पता है से फॉर एग्जांपल अगर दो वेव्स आ रही है लेट द इंडिविजुअल लेट two waves of intensities kya I1 and traverse a medium, theek hai na, to mujhe batao what is the net intensity, chalo it is I1 plus I2, yes and kuch zyada energy mat chahiye, yes itni hi energy hai na, लेकिन बेटा इंटरफेरेंस के बाद दो ही चीजें हो सकती है या तो कंस्ट्रक्टिव या, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने कहा द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड वो है कितनी आई शाबाश वन प्लस आई टू वन कितना, और हमने कहा आई वन प्लस आई टू में क्या हाँ सुबह अगर इक्वल आज आई वन स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर, यही कहा ना, और हमने कहा कि अगर बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तब जो आई मिनिमम यस कुछ मगर स्क्वायर रूट ऑफ आई वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज है ये को एम न्यू सो रही ये को एम न्यू ने की है तो एवरेज के एतबार से व्हाट इज आई एवरेज, हाँ किसके बराबर है इट इज आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइड बाई टू, एवरेज को हमेशा ऐसे मिसनिश हमेशा मगर ये आसान खबर समझी तरह आई वन प्लस आई टू होता है कि नहीं, आई नेट इतना है मतलब हमेशा हमारे पास इतनी ही एनर्जी होगी, होगी कि नहीं, हाँ इस वाले केस में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनर्जी का मैक्सिमम इसने ले लिया मिनिमम इसने ले लिया एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है लेकिन एवरेज ऐसा हमेशा क्यों थी क्या इस विषय एवरेज कूदा है तरह बनी एक आदत नहीं बराबर थे आई मैक्स के बदले मैं क्या लिखूंगा हाँ आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू ये आएगा प्लस हाँ आई मिन के बाद क्या लिखूंगा आई वन प्लस आई टू माइनस ट्वाइस स्क्वायर रूट आई वन स्क्वायर रूट आई टू ये आएगा होल डिवाइड बाय समझ रहे हो तो मुझे बताओ ये अच्छा कसम क्या क्या आंसर ये और ये कट गया ट्वाइस आई वन प्लस ट्वाइस आई टू डिवाइड बाई टू विच इम्प्लाइज
आई एवरेज कितना आ रहा है, ट्वाइस आई वन प्लस ट्वाइस डिवाइड बाय टू, टू द टू को कैंसिल प्लस वन आई एवरेज का तरह बराबर थे आई वन प्लस विच इज इक्वल टू दिस जो हमारे पास पहले थी. सो दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. समझ गए कि नहीं? हाँ. अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर सकते हैं? तेरे क्या है क्वेश्चन इंटरफेरेंस मुतल्लिक में? शाबाश, इंटरफेरेंस क्या है? तो चले कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख दो. हाँ वर्ड लिखी हुई है, लिखो कंक्लूजन. चलिए हेडिंग कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस. नंबर फर्स्ट बेटा, इंटरफेरेंस हमने पहले एक चीज देख ली कि टोटल एनर्जी जो है इट इज कंजर्व. इंटरफेरेंस में ये एनर्जी क्या रहती है? सो लिखिए टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन इंटरफेरेंस. टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन इंटरफेरेंस. तेरी क्या शायद मुझे बताएं इंटरफेरेंस में टोटल एनर्जी तो आपके पास थी, उसको क्या होता है उस एनर्जी को? नहीं सोचे कसान, रीडिस्ट्रीब्यूट. कुछ ने एनर्जी ले, मतलब पहले थे सेम लेवल पे सब फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके बाद किसी के पास ज्यादा आ गई, किसी के पास कम आ गई. कहने का मतलब जिसने खोई उस तब ही दूसरे ने गेन की. ऐसा को ना मन से इंडिविजुअली ने ब्रेकिंग कर उसका एनर्जी सप्लाई, हम ये नहीं कह सकते. ठीक है, सो लिखे आप टोटल एनर्जी इज कंजर्व. दूसरा पॉइंट, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड. एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग इंटरफेरेंस. एंड थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर टू साइमल्टेनियस इफेक्ट्स. ठीक है, दैट इज वी कैन नॉट हैव वन इन आइसोलेशन. दैट इज वी कैन नॉट हैव आर टू साइमल्टेनियस इफेक्ट्स. दैट इज वी कैन नॉट हैव वन इन आइसोलेशन. समझ गए कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस. ये वस्तु फिनोमेना लाइट हूं यूज में एक्सप्लेन हो सका फिरित रे ऑप्टिक्स के वेव स्पेडिंग. ठीक है, वेव मंच है एनर्जी के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट. पार्टिकल्स क्या वेव मंच, समझ लो. सो ये उसने एक्सप्लेन कर रहा है. अच्छा, अब इसी तरह पे अब ये इंटरफेरेंस का जो कांसेप्ट है ये तो हमें आ गया यहां से समझ, इस वेव मंच का सा. बट इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय यंग, थॉमस यंग इन 1801. द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज YDSC सेटअप. ये सुकरो इंशाल्लाह यंग डबल स्लिट है सुकरो इंशाल्लाह पागा. And then we have one more phenomenon just which confirmed the wave nature of light, and that is diffraction, the formation of geometrical shadows. Inshallah.